हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनर हैप्पीनेस। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक रिक्वेस्टेड ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। वन ऑफ माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी फॉर दिस वीडियो। आजकल सोशल मीडिया में प्लांटर्स बहुत फेमस हो चुके हैं। पंडा से लेकर कछुआ, डॉल्स, फेसेस, एलिफेंट्स, बर्ड्स, ऐसे प्लांटर्स हर किसी के घर में दिखते हैं। आउल यानी उल्लू, इसे घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो चलिए आज एक आउल प्लांटर बनाना सीखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतंजलि का डिब्बा लिया है। आप ऐसे राउंड शेप में कोई भी डिब्बा या बॉटल ले सकते हैं। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और वो है एमसिल। आप चाहे तो फेविक्रिल का मोल्डेड या कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हैं। मुझे यही सबसे ज्यादा अवेलेबल मिला, इसीलिए मैंने एमसिल का ही यूज यहाँ पे कर रहे हैं। एमसिल को बाइंड करने के लिए चाहिए टैल्कम पाउडर। फिर आपको चाहिए व्हाइट एक्रिलिक कलर। अगर आप बेस कोट व्हाइट से करते हो तो वो प्राइमर का काम करता है और उसके ऊपर बाकी सारे कलर्स अच्छे से बैठते हैं। फिर कुछ और एक्रिलिक कलर्स ले लीजिए जिससे आउल को कलर कर सकते हैं। फाइनली मैंने यहाँ एल्युमिनियम फॉयल ले लिया है, इससे एमसिल का यूज थोड़ा कम कर सकते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम फॉयल का कुछ हिस्सा काट लीजिए और फेविकॉल के मदद से ऐसे इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल को चिपका दीजिए। इससे डिब्बा का ये पार्ट एकदम इवन हो जाएगा। अब एमसिल के पैकेट से दोनों पीसेस को निकाल लीजिए और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिए। यहाँ मैं थोड़ा टैल्कम पाउडर ले लेती हूँ, इससे एमसिल हाथ में चिपकेगा नहीं। अब फॉइल के ऊपर थोड़ा फेविकॉल अप्लाई कर दीजिए और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर एमसिल को पेस्ट करते जाइए। एमसिल के सरफेस को इवन बनाने के लिए थोड़ा पाउडर ले लीजिए हाथ में और ऐसे ऐसे करते जाइए। अब आउल का ब्रेस्ट फेदर बनाने के लिए एक हार्ट शेप पार्ट बना लीजिए और फेविकॉल के मदद से उसे ऐसे डिब्बे में चिपका दीजिए। आउल के आंखें बनाने के लिए ऐसे दो सर्कल बना लीजिए उससे पहले एल्युमिनियम फॉयल से कर्व सरफेस को ऐसे फिल कर दीजिए। फिर सर्कल के ऊपर कैप के मदद से ऐसे दो सर्कल मार्क्स बना दीजिए। फिर फेविकॉल के मदद से फॉइल के ऊपर इसे चिपका दीजिए। अब उल्लू का नाक भी ऐसे बना लीजिए और उसे भी चिपका दीजिए। नेक्स्ट, आउल के लेग्स बनाने के लिए दो सर्कल और बना लीजिए और एक साइड से थोड़ा फ्लैट कर दीजिए। फिर फेविकॉल के मदद से उसे डिब्बे के नीचे एक एक करके चिपका दीजिए। अब साइड फेदर्स बनाने के लिए दो सर्कुलर एमसिल ले लीजिए
और ऐसा शेप दीजिए। एक फेदर बन जाने के बाद उसे उल्टा करके रखिए और ऑपोजिट साइड का फेदर उसी के मदद से सेम साइज का बना लीजिए। अब दोनों फेदर के ऊपर ऐसे मार्क्स बनाते जाइए। अब उस फेदर के ऊपर ऐसे मार्क्स बना दीजिए। फेदर्स को डिब्बे में अटैच करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल से ऐसे बना लीजिए और दोनों साइड में चिपका दीजिए। अब उसके ऊपर धीरे धीरे फेदर्स को अटैच कर दीजिए दोनों साइड में। अभी आप देख लीजिए जो जो जहाँ जहाँ पे आप चिपकाए हैं वो सही है कि नहीं, और सब कुछ सही करके सूखने के लिए छोड़ दीजिए। रात भर रहने के बाद ये बिल्कुल सूख गया है। अब वाइट एक्रिलिक कलर से पूरे सरफेसेस को कवर कर दीजिए। एक कोट सूखने के बाद सेकेंड कोट भी अप्लाई कर दीजिए। इससे सरफेस कलर एकदम इवन हो जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा सफेद उल्लू। अब इसके ऊपर कलर करेंगे। आप चाहे तो ऐसे ही यूज कर सकते हैं प्लांटर के रूप में। पहले स्काई कलर से बॉडी पार्ट्स को कलर कर दीजिए। आप चाहे तो दूसरा कलर भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड कोट जरूर करें। अब येलो कलर से आईज, लेग्स और साइड फेदर्स कर दीजिए कलर। सारे कलर्स सूखने के लिए थोड़ा छोड़ रख दिए थे, अब ये सूख गए हैं। कलर सूखने के बाद गोल्डन एक्रिलिक से फेदर्स को हाईलाइट करते जाइए। मैंने यहाँ अपने हाथों का ही इस्तेमाल कर लिया है। कलर में थोड़ा डिफरेंस देख सकते हैं। एक्चुअली स्काई कलर में थोड़ा गोल्डन कलर लग गया था और मेरे पास एक्स्ट्रा काई कलर बचा नहीं था, इसलिए मैंने ब्लू और व्हाइट मिक्स करके एक कोट और चढ़ा दिया है। यहाँ एक चीज देख लीजिए, यहाँ मैं थोड़ा एमसील और लगा दिया है क्योंकि ये लेग्स थोड़ा लूज हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पे मैं एमसील लगाया है। अब मैं इसे कलर कर दूंगी। अब उल्लू को थोड़ा ग्लॉसी लुक देना जरूरी है, तब जाके वो मार्केट जैसा दिखेगा, है ना। अब कोई भी ग्लॉसी वर्निश ले लीजिए। मैंने यहाँ एशियन पेन का ग्लॉसी वुडन वर्निश यूज किया है। अब धीरे धीरे ब्रश के मदद से पूरे सरफेस को ऐसे
वर्निश कर दीजिए। देखिए अब ये आउल प्लांटर कितना शाइन कर रहा है। अब इसमें फाइनल टच देने के लिए ब्लैक कलर से इसके आंखें बना दीजिए और फेदर्स और लेग्स में ऐसे थोड़ा थोड़ा हाइलाइटिंग कर दीजिए। बस प्लांटर बिल्कुल रेडी है। देखिए मैंने यहाँ थोड़ी सी मिट्टी ले ली है। अब मिट्टी को इस प्लांटर में सावधानी से भर दीजिए। यहाँ मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स बहुत है, इसीलिए मैंने एक निकाल लिया है और इस प्लांटर में ऐसे लगा देते हैं। आप भी अपने पसंद का कोई भी प्लांटर ऐसे इसमें प्लांट कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये प्लांटर, बाकियों से एकदम अलग और लग रहा है जैसे मार्केट से खरीदा हुआ है ना? आप भी इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिए और ऐसे ही अपने बालकनी या टेबल को सजा के रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आगे मैं किसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊं, और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।